हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिट्टा नूरा डायरीज। मैं हरविंदर जीत बिट्टा स्वागत करदा थोड़ा आपदे चैनल ते। ते जो लोग चैनल ते नवे हैं वो प्लीज़ सबसक्राइब जरूर कर लो। सो वेलकम टू माई लाइफ एंड माई व्लॉग। अज आपां बनाउण लगे हैं आलू जीरे की सब्जी, जो बहुत जल्दी बन जाती है। तो जिस तरह तुसी स्टूडेंट हो, चाहे बाहर रहने हो, जॉब करते हो, फैमिली तो दूर रहने हो, ये बेस्ट चीज़ है बनाने लई। ये प्याज की भी नहीं लोड़ हुंदी गी, अदरक लसन कट के पाउण दी भी नहीं लोड़, तुसी पेस्ट पा सकते हो, तो वधिया बन जाती है चीज़। तो अई आपां हसदे खेडदे ये बना लैनी अज। तो मैं एक पैन लिया, पैन दे विच सरों का तेल पाता, 5-6 आप आलू ले है। आलू का छिलका उतार लाँगे, तुसी आलू छिलके दे नाल भी बना सकते हो। चलो करते हैं स्टार्ट फिर। हुण बस एक एक आलू लैके उहदा आपां छिलका उतार लेना। कई वारी ना इंडिया च उत्थे घरे छोटे हुंदे आलूआं दे आए छिलके उतारन लग जाईदा सी चाकू लैके, चाई हुंदा सी उदों जदों मम्मी किते सब्जी बनाउंदी हुंदी सी। ते फिर मम्मी नाल नाल कहिंदी हुंदी सी, इन्ना इन्ना मोटा लाई जाना तूं, तूं रहिण दे सब्जी खराब करदा। दोज वर जस्ट चाइल्डहुड मैमरीज जो हमेशा अपने नाल ही रहिंदियां। हुण इत्थे अमेरिका विच आ, न्यूयॉर्क च, इत्थे सारे काम आप करने पैंदे आ। इत्थे कहिंदे हुंदे आ ना, होर किहड़ी मित्रां दी मां बैठी है। बस इस तरह छोटा छोटा आपां छिलका बरीक बरीक उतार लैना। वैसे तां तुसीं पीलर भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं पीलर नहीं यूज़ करदा गा, आम ओल्ड स्कूल गाए, सो चाकू ही यूज़ करीदा। इहदे नाल वधिया रहिंदा, क्योंकि एक आइडिया जां हथ टिकन की गल हुंदी है। जिस तरह तुहाडा हथ टिकिया तुसीं उस तरह, यू कैन यूज़ पीलर और यू कैन यूज़ अ नाइफ। ते हुण इन्हां नूं बिल्कुल छोटे छोटे पीस दे विच आपां कट लैणा। क्योंकि जिहड़े जीरा आलू हुंदे आ ना, उहदे विच पीसिस जो हुंदे आ उह स्मॉल हुंदे आ, बहुत छोटे छोटे पीस हुंदे आ। बाकी तुसीं आपदे टेस्ट दे अकॉर्डिंग कर सकदे हो। वैसे कोई कुकिंग वीडियो नहीं है, ये आपां हसदे खेडदे। वैसे ही रात नूं कुछ मैं बनाउणा सी, मेरे कोल दाल पई है मूंगी मसरां दी येलो दाल, तो उहदे नाल मैं सोचा चल एक सब्जी बना लैंदे आ, ये जल्दी बन जाती है, नाले गल्लां बातां हो जाणगियां, नाले सब्जी बन जूगी। ये बस एक दो टाइम की सब्जी है, ज़्यादा सब्जी नहीं मैं बनाउण लग्गिया, क्योंकि मैनूं आदत है मैं ज़्यादातर फ्रैश ही खाना, तो फ्रैश ही बनाउणा। बाहरों असीं कदे खांदे नहीं गे, ना वाहे नूर, ना पूनम, ना मैं। बोर्ड छोटा ले लिया यार, चॉपिंग बोर्ड वड्डा लेना चाहिए सी। चलो इनू हुण आपां, मैं वॉश पहले ही कर लिया सीगा, जे तुसीं चाहुंदे हो एक वारी फिर वॉश कर सकदे हो। आपां साइड ते एक कंटेनर दे विच कढ के रख लैंदे आ। इहदे नाल तुसीं अगर चाहुंदे हो तां थोड़ी जी हरी मिर्च पा सकदे हो। क्योंकि मैं स्पाइसी दा शौकीन है, मैं थोड़ी जी हरी मिर्च लै लैंदा। आपां साइड ते कढ के रख ले। ये पैन मैं ऑलरेडी रख लिया सीगा, इहदे च मैं पाया सरों का तेल, ते नाल बिल्कुल थोड़ा जिहा देसी घिओ। तेल अपना ऑलमोस्ट गर्म हो चुकिया, ते इहदे च आपां पा देंगे जीरा, फिर नाल दी नाल हरी मिर्च।
ਚੰਗਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਜੀ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਦਾ ਆਟਾ ਜੋ ਪਿਓਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਲੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਈ ਗੈਸ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਿਕਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈੱਫ ਜਾਂ ਕੁੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਾਈ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਸਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਸੋਹਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਨਮਕ ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ ਸੋਲਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਯੈਲੋ ਯੈਲੋ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦਹੀਂ ਕਰਡ ਯੋਗਟ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਚਮਚ ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ $4 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਆਈਆਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
दोस्तों ये थोड़े टाइम लिए मैं इनू कवर करके रखिया तो फिर इनू 2 मिनट बाद आप करा ओपन तो उस तो बाद पावे जो तुम चाहो थोड़ा जहा बेसन भी पा सकते हो तो मैं ये हल्की जी सॉस पाऊँगा मैगी वाली सॉस तो वो टेस्ट के काफ़ी चेंज आता तो नाल मैं जिस तरह पहला दस्या खावे बाजरे की मक्की की कणक की रोटी वह भी मैं थोड़ा दिखाऊँगा नाल लवेंगे आप मूंगी मसर की दाल तो इतने आई अमेरिका के सारा कुछ आपदे आप ही करना पैंता है। वैसे तो पहला मैं होस्टल लाइफ मैं इन्नी देखी नहीं गई पर मेरे काफ़ी दोस्त होंगे सी हिमाचल तो वो कई बार उ या प्रेस पुट्ठी करके या हीटर ते ना चीज़ा बनाते रहते थे तो उन्होंने देख देख के भी काफ़ी कुछ सीखा है। कुकिंग जो मैं स्टार्ट की है वह मैं हमने रीसेंटली 2 साल पहला स्टार्ट की है। पहाड़ी खाना तो राजस्थानी खाना बहुत वधिया होंगे ऑरगैनिक बिल्कुल। आलू बन रहे हैं पूनम जीरा आलू हूँ इन करा पान कवर थोड़ी जी कड़की मारा क्योंकि आलू ज्यादा भी फ्राई नहीं करने और तेरी क्योंकि आलू ज्यादा भी फ्राई नहीं करने गे हूँ मैं दसदा के की नवी चीज़ पानी है हमने आप पावे टोमैटो सॉस मैगी सॉस थोड़ी जी पानी है क्योंकि इन्हों का कलर ही लाल लाल लगना है वैसे होने नहीं मिर्चा वाले। पूनम मैगी की सॉस प्लीज फ्रिज रख दो हम दोस्तों एक मैं मूवी देखी थी कहते होंगे ना चिकन खुराना वो एक चिकन खुराना मूवी के चीज़ यहो जी पाँदा सी उन्होंने कदे एंड तक पता नहीं लगे पाँदा की सी वो स्वाद ही इन्नी बनती सी सब्जी चिकन हूँ मेरा चिकन खुराना मैं पाउन लगे 2 मसाले ले आ करी मसाले तो छोले मसाले गुजराती मसाले है ये इन्होंने टेस्ट बहुत सोहना आता थोड़े थोड़े पा देने हैं देखो पूरा कलर कितना घंट आ गया इतने हम पर एक गल मैं थोनू दस दिना वीरे रोज रोज ना खाओ ये चीज़ा एक जीभ का स्वाद होंगे एक होंगी है हेल्थ कदे कदे चल जाता पर जो तुम वधिया वर्कआउट कर रहे हो देन यू कैन ईट एनीथिंग। अपना रहना सहना बिल्कुल सिंपल है देसी है तो अमेरिका तक पहुँच गए तो भी रहना सहना खाना पीना हजे भी उही है पिंड वाला उस तरीके खाईदा पता नहीं लोग क्यों चेंज हो जाते बाहर आके आई डोंट नो। कमेंट करो लाइक करो शेयर करो तो चैनल सबसक्राइब जरूर करो जो मेरे चैनल पर नवे हैं प्लीज़ गाइज सबसक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन अपलोड मोर एंड मोर गुड वीडियोज। ये दोस्तों मैं बेसन लै लिया इस थोड़ा जा पानी पाया मैं तो कहते हैं कि डायरैक्ट नहीं पाना चाहिए थोड़ा जा पानी करके पाना चाहिए इनू विच पा देंगे आप ग्रेवी गाढ़ी हो जूगी ये वैसे मैंने पूनम नहीं दस्या पापा ने दस्या जी देसी घ्यो की भी बहुत वधिया खुशबू आ रही है देखो टोटल चेंज हो गया हूँ कलर देखो हम दोस्तों नाल नाल बेसन जो आप पाया सी वो भी भुनिया गया थोड़ा थोड़ा तो ये उपर आप कसूरी मेथी पा सकते हैं अगर तुम चाहते हो धनिया कट के पा सकते हो थोड़ी जी कसूरी मेथी आप पाउन लगे हैं इनू आप कर देंगे मिक्स बहुत वधिया लग रहे वधिया लग रहे ना बहुत वधिया कलर भी बहुत सोहना थोड़े जे बनाए हैं मैं थोड़े जे वधिया लग रहे इट्स जस्ट लाइक अ लाइफ
इट्स अ वन टाइम वॉच, इट्स जस्ट फॉर वन टाइम ईट। हम एक बारी फाइनल लास्ट वारी मैं इनू कवर किया सीगा, हम देखते हैं। देखो इधर कलर, इनू आपां सुबह सुबह परौंठियां दे नाल खा सकते हैं, नाल होवे दही। तो सब तो बेस्ट इन्हां नू देख के ना मैनू लग्या कि पूरियां होण नाल फिर बहुत मज़ा आऊगा। मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ जिन्ना हो सके घट तो घट की जीरो ही करदा, ऑलमोस्ट सरों का तेल यूज़ करदा ते रोटियां चोपण लई देसी घिओ। दोस्तों हुण अपनी सब्जी तैयार है, ऑलमोस्ट एक दो वारी कड़छी मारांगे ते इस तो बाद आपां जिवें मैं पहलां दस्सिया आटा रेडी आ गुन्न के बाजरे का मक्की का कणक का, तो उहदियां बनावांगे रोटियां, नाल खावांगे अंब का अचार, मिर्चां का अचार, चटकारेदार आलू जीरा। दस्सिओ किवें लगी। ये अपनी रोटी तैयार है अज की, दाल मूंगी मसरां की, अपने चटपटे आलू जीरा, बाजरे की रोटी मिक्स, मक्की की, बाजरे की, कणक की, बाजरे का आटा ज़्यादा पाया, अंब का अचार, मिर्च, थोड़ा जहा मक्खन। सो दोस्तों हुण अपनी थाली तैयार है, दाल सब्जी ते रोटी। दस्यो किवें लगी ते वीडियो शेयर जरूर करियो, थोड़ी सपोर्ट की मैनू बहुत ज़्यादा लोड़ है। ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करियो, वीडियो शेयर करियो ते चैनल सबसक्राइब जरूर करियो। बिट्टा नूरा डायरीज, माई नेम इज़ हरविंदरजीत बिट्टा, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। रब रखा।